Welcome back, students. It's standard 5 science. So in the previous class we learned about some of the seeds which are dispersed through water, like lotus and coconut. Continuing with the chapter, we are going forward. We have now dispersal of seeds by animals and human beings. Animals and human beings bhi seed dispersal ke liye help karte hain. Kaise help karte honge? See, I'll read it out. Animals and human eat fruits and throw away their seeds. See, look at this picture. Hum ye fruits leke aate hain bazaar se. Khate hain, uske andar seeds rehte hain. Look at this, seeds are there inside. Okay, ye jo seeds hain, ye hum fek dete hain. Fir wo wahan se ukke naya plant ban jata hai. Right, same way vegetables also. Look at this vegetables. All these vegetables have seeds inside them, and after when we eat it, it will be thrown out and they grow from there. तो ये vegetable और ये जो fruits हम लेके आते हैं market से, ये खाने के बाद हम उसको throw कर दें, we just throw away them. तो ये फिर वहाँ से उग के आते हैं, ठीक है? Going forward, seeds of apple, plum, mango, orange, peach, etc. are dispersed in this way. तो ये जो भी fruits लाते हैं हम, वो इस तरीके में dispers होते हैं. ओके, आगे देखते हैं. सम सीड्स सच एज कॉकलबर एंड टाइगर नेल सीड्स हैव हुक्स दैट स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स और टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमंस एंड गेट डिस्पर्स्ड. कुछ कुछ सीड्स इसकी स्पेशलिटी ऐसे होते हैं कि वो अपने कपड़ों में और अपने जूतों में हो गया, कपड़ों में हो गया, स्टिक हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ गिर जाते हैं, फिर वहाँ से वो उग के आते हैं. सी, लुक एट दिस एनिमल, लुक एट दिस बॉडी ऑफ दिस डॉग. सी, ऑल द सीड्स हैव बीन स्टक टू इट्स फर. नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये दौड़ेंगे इधर उधर, तो ये सीड इधर उधर गिरेंगे और वहाँ से फिर वो उग के आएंगे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्क्विरल्स कलेक्ट नट्स एंड बरी देम टू बी यूज्ड इन विंटर. क्या करते हैं स्क्विरल्स? See, he is making a hole in the earth. He is making a burrow, not burrow. He is making a hole in the earth, digging his seeds inside the earth. गिलहरी क्या करते हैं? वो nuts लेके आते हैं, उसको धरती के अंदर उसको गाड़ देते हैं और फिर वो भूल जाते हैं. See, they often forget where they had buried the seeds. वो भूल जाते हैं कि उसने कहाँ पे बरी किया. ही फॉरगेट्स कि वो उसने कहां पे डाला है. सो व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जब रेन आएंगे, व्हेन द रेन कम्स, सपोज रेन इज कमिंग, तो पानी आएंगे, देन सनलाइट आएंगे, पानी आएंगे, तो क्या होगा? ये जो सीड्स इसके अंदर हैं, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग अप, ये बड़ा हो जाएगा, देन इट बिकम्स अ प्लांट. ओके, तो जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे, फेवरेबल कंडीशंस मीन्स जब उसको पानी, धूप सब मिलेंगे, तो वो सीड उग के बड़ा प्लान बन जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्क्विरल एनिमल आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल. तो हमने जो डिस्कस किए थे अभी कि एनिमल हेल्प करते थे, एनिमल ऐसे हेल्प करते हैं. आगे देखते हैं. बर्ड्स स्वैलो सम सीड्स विच कम आउट विद देयर ड्रॉपिंग्स. बर्ड की जो लैट्रिन होते हैं, बर्ड जब लैट्रिन करते हैं, तो उसके अंदर भी देखो, लुक एट दिस स्मॉल सीड्स ओवर हियर, कैन यू सी दिस सीड्स? तो ये सीड्स उसके अंदर रहते हैं और ये सीड्स धरती पे गिर जाते हैं, फिर वहाँ पे भी फेवरेबल कंडीशंस, जैसे हमने पहले देखा कि गिलहरी जो गाड़ के रखते हैं, जो हॉल बना के रखते हैं, उसको भी फेवरेबल कंडीशन जब मिलते हैं, फेवरेबल कंडीशन मीन्स रेन
सनलाइट, तो ये सब मिलेंगे इसको, तो क्या होगा, ये भी धीरे धीरे करके प्लांट बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ बर्ड्स विल हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स। लुक एट दिस, ऑल्सो वाइल ईटिंग फ्रूट सम सीड्स आर लेफ्ट ऑन द बीक्स ऑफ द बर्ड। When they rub their beaks on the bark of trees or any other structure, the seeds fall down and later on they grow into new plant. What happens? So look at this. यहाँ पे देखो एक bird की चोच पे ये nuts लेके घूम रहे हैं. See, this is not sticking, but I am giving an example. ये example बता रहा है कि birds ऐसे करते हैं. Birds लेते हैं इसको, उड़ जाते हैं. They just fly away somewhere, sit there, वहाँ बैठ के खाते हैं. फिर वो गिर जाते हैं नीचे. फिर वहाँ पे, सो दिस इज हाउ बर्ड्स विल ऑल्सो हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। मूविंग फॉरवर्ड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोसिव मेथड। एक्सप्लोसिव मेथड, एक्सप्लोसिव इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। एक्सप्लोसिव मतलब फूटना, टू ब्लास्ट आउट। सो कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जो ब्लास्ट होते हैं एक्सप्लोसिव मेथड में, उसको फूट के निकलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर ओवर हियर। देखो हाउ सीड्स आर ब्लास्टिंग आउट, इट्स सी इट्स बर्स्टिंग आउट। एक्सप्लोसिव मीन्स फटाके फूटते हैं ना वैसे। सी इट इट गेट्स एक्सप्लोडेड जब वो फूटते हैं। सी सम प्लांट्स हैव पॉड्स which explode and burst open when they get ripe and ripe. देखो इसको बोलते हैं हम pods. Pods मतलब ऐसे फूले हुए बॉल जैसे pods. जब वो सूखते हैं when it becomes dry, क्या होते हैं वो, dry होते हैं या फिर ripe होते हैं। ripe मतलब पकना। ripe and dry क्या होते हैं वो, फूटते हैं। it burst out. This scatters the seeds in all directions. देखो it goes in many directions. एक जगह पर नहीं जाते वो, अलग अलग जगह पर जाते हैं। Different different directions it just flow out. Then example कौन सा है, balsam, peas, ladies fingers, tamarind, geranium and castor. This is the balsam and this is castor leaves. Sorry, castor seeds. ये castor है और ये बैल्सम है, जिस कैस्टर और ये बैल्सम है, सॉरी बैल्सम 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 ए है, ओके बैल्सम नहीं बी एल एस ए एम, इट्स बैल्सम देन कैस्टर। सो दीज आर द टू सीड्स विच डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, See, there are some checkpoints I would like to make you help in this chapter. ये chapter ने हमने क्या क्या सीखा था, कुछ checkpoints हैं यहाँ पे। See, monocotyledonous seeds. कितने cotyledons होंगे उस पर, देखो one. I'll give you one hint. ठीक है, अब dicotyledonous seeds. Dicotyledonous seeds. क्या होगा इसके अंदर, two. ये hint है, बाकी आपको देखना है। ठीक है, lesson में read करो। सीड्स डिस्पर्स बाय विंड, विंड में जो सीड डिस्पर्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस किए हैं। गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन गेट द आंसर। सीड्स डिस्पर्स बाय एक्सप्लोसिव मेथड, ये अब भी हमने सीखा है इस क्लास में। गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। सो चिल्ड्रन आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई क्लासेस। यू कैन ऑलवेज गिव अ कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव द क्लासेस। और आपको जो भी समय में नहीं आ रहा है मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके टिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।